A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा चल रही थी, तमाम विषयों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन पेपर लीक और बर्बाद फसलों के मसले पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस का घेराव किया और कहा कि बिना जवाब सुने चले गए, ये तरीका ठीक नहीं है। दरअसल मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सरकार को महू की घटना, उसके साथ ही फसल जो तबाह हुई है बारिश के कारण और 10वीं-12वीं पेपर लीक मामला, इन तीनों चीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 20 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, बच्चों की फीस वापस की जाए और जो ओलों से किसान बर्बाद हुए हैं, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, अब तक सर्वे नहीं शुरू हुआ है, राजस्व अधिकारियों की हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष वॉकआउट कर गया, सदन से बाहर चले गए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, बिना जवाब सुने सदन से जाना, वॉकआउट करना, ये तरीका ठीक नहीं है। और यह भी कहा कि कांग्रेस के दो नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक भी खेत में नहीं गए, ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सदन हंगामेदार होता लेकिन इसके पहले कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित हुई क्योंकि वॉकआउट हो गया था और मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही फिर बाद में स्थगित कर दी गई। रीवा संभाग के 3 विधायकों मेडिकल कॉलेज के डीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं 3 विधायकों ने। विधायक शारदेन्दु तिवारी ने रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन पर कर्मचारियों के बिलों को रोकने का मामला उठाया, ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। डॉक्टर पंचुलाल प्रजापति ने रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन पर प्राइवेट अस्पताल संचालित करने का मसला उठाया, इसका समर्थन कुंवर सिंह टेकाम ने किया। इस पर स्पीकर गिरीश गौतम ने मंत्री विश्वास सारंग से कहा कि डीन को हटा दो, सरकार की बदनामी क्यों कराते हो। यह मसला पहले भी सदन में उठा था, मेडिकल कॉलेज की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हुए थे। तब भी स्पीकर गिरीश गौतम ने इस मसले को उठाया था और कहा था कि मैंने खुद ये चीज देखी है कि वहां किस तरह की अव्यवस्था है और मंत्री से मांग की थी कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि क्यों सरकार की बदनामी कराते हो, डीन को हटा दो, क्या कुछ होगा, क्या एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल विपक्ष जिस तरह से आक्रामक रहा और सदन से जिस तरह से वॉकआउट किया महू के मसले को लेकर, किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पिछले दिनों जो ओले गिरे हैं उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस की मांग है कि इस पर तुरंत सर्वे कराया जाए, कार्रवाई हो, लोगों को मुआवजा मिले, किसान बहुत परेशान है, उसकी फसल चौपट हो गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन से वॉकआउट किया और बार बार जिस तरह से आरोप विपक्ष पर ही सत्ता पक्ष ने लगाए, संसदीय कार्य मंत्री ने लगाए और कहा कि बिना जवाब सुने ही सदन से वॉकआउट कर गए, ये तरीका ठीक नहीं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर आरोप लगाए कि वो लोग किसी खेत तक गए हैं क्या। लेकिन इस बीच जब रीवा मेडिकल कॉलेज का मसला उठा जिसमें शारदेन्दु तिवारी, डॉक्टर पंचुलाल प्रजापति, कुंवर सिंह टेकाम सबने ये सवाल उठाया कि मेडिकल कॉलेज डीन प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, लोगों को वहां रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लूट हो रही है उस पर एक्शन होना चाहिए। इस पर स्पीकर ने सीधे मंत्री विश्वास सारंग को कहा कि क्यों सरकार की बदनामी कराते हो, डीन को हटा दो, अब क्या कुछ होगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस मसले पर एक्शन होगा तो कब होगा और किस तरीके से होगा। फिलहाल बजट को लेकर जो 11वें दिन भी चर्चा होनी थी स्थगित हुई, कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तमाम मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष जो तुरंत घटित हुए बड़े घटनाक्रम है, चाहे महू की बात हो या किसानों की फसल बर्बादी का मसला हो, इस पर सीधे सीधे सदन से वॉकआउट कर रही है। सरकार दबाव में है, सरकार क्या कुछ करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.